जय हिंद साथियों, मैं प्रमोद कुमार आपको मैथ लेकर आया हूँ पढ़ाने के लिए। तो आज मैं जो जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आपको अच्छा भी लगेगा। आप इसको अधिक समय में हल करना जानते हैं, लेकिन इसको मैं कम समय में हल करने के लिए बताऊंगा आपको। आज का मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वह है घनमूल। तो साथियों, आपको घनमूल तो आता ही होगा, आप घनमूल निकालना जानते हैं, लेकिन क्या आप उसको कम समय में निकाल सकते हैं? आप कम समय में नहीं निकाल सकते हैं। तो वही आपका टाइम मैनेजमेंट के लिए, यानी कम समय के लिए मैं आपको इसको बताऊंगा, जो कि आप किसी भी परीक्षा में बैठते हैं तो आप कम समय में इसको निकाल सकते हैं। तो साथियों, मैं आपको इसको बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। जैसा कि यहाँ तक आपको 10 तक का घनमूल घन बताया गया है, लिखे हैं पर 1 से लेकर 10 तक का घन, कम से कम आपको इतना तो याद होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज यहाँ पर इसको ध्यान में रखना है। तो जैसा कि साथियों यहां पर देख रहे हैं आप लोग, यहां से अलग है और यहां से यह अलग है। इसमें क्या है कि अगर प्रश्न का इकाई का अंक 8 आता है तो ध्यान दीजिएगा, इसको हमें 10 बनाना है, इसको हमें 10 बनाना होगा, यानी 8, 2, 7, 3, ये जब आते हैं इसको 10 बनाना होता है। तो 8 में क्या जोड़ेंगे हम, 10 बन जाएगा 2, यानी जब प्रश्न का इकाई अंक 8 आएगा तो उत्तर का इकाई अंक आएगा 2, और प्रश्न का इकाई अंक जब 2 आएगा तो उत्तर का इकाई अंक आएगा 8। इसके बाद जब प्रश्न का इकाई अंक 7 आता है तो उत्तर का इकाई अंक आएगा 3, और जब प्रश्न का इकाई अंक 3 आता है तो उत्तर का इकाई अंक क्या आता है, 7 आता है। तो साथियों, हमें 10 बनाना होता है, 10 इन चार्ट में हमें 10 बनाना होता है। बाकी सेम, जब 1 आता है प्रश्न का इकाई अंक तो उत्तर का इकाई अंक भी 1 आएगा, जब प्रश्न का इकाई अंक 4 आता है उत्तर का इकाई अंक 4 आएगा, और जब प्रश्न का इकाई अंक 5 आता है तो उत्तर का इकाई अंक 5 आएगा, और जब प्रश्न का इकाई अंक 6 आता है उत्तर का इकाई अंक 6 आएगा, और जब प्रश्न का इकाई अंक 6 तक, यहां 9 रहेगा, जब प्रश्न का इकाई अंक 9 आता है तो उत्तर का इकाई अंक भी 9 आएगा। तो इतना चीज आपको दिमाग में बैठा लेना है, 1 से लेकर 10 तक आपको वर्ग याद होना चाहिए, सॉरी घन याद होना चाहिए, और ये इसको जब 8 आएगा तो उसको 8 को 10 बनाना, तो 2 जोड़ेंगे तो 8 बन जाएगा, यानी 8 का यहाँ से इतना चीज आप याद कर सकते हैं। ये प्रश्न का इकाई अंक यह आएगा तो उत्तर का इकाई अंक यह आएगा। इसमें से 4 तो आपको 10 बनाना होता है, जैसा कि हमने बताया है 8 से 2 होगा और 2 से 8 होगा, 7 से 3, 3 से 7 होगा। बाकी ये वाला जो है पार्ट, इसमें जो प्रश्न का इकाई अंक आएगा वही उत्तर का इकाई अंक भी आएगा। साथियों, सबसे खास बात यह है कि जो घनमूल निकालते हैं वह वर्गमूल से भी आसान होता है। वर्गमूल जब हम निकालते तो दो उसका आंसर आता था, लेकिन घनमूल में केवल एक ही आंसर आएगा, सबसे आसान घनमूल है, बस आपको समझना। एक बार आप समझ जाते हैं तो किसी भी कितना भी बड़ा से बड़ा घनमूल निकालना हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अधिक से अधिक शेयर लोगों तक शेयर करिए, जिससे पढ़ाई का एक माहौल बने और पढ़ने में आनंद आए, मजा आए। तो जैसे अब साथियों स्टार्ट कर रहे हैं हम, जैसे अगर मैं एक दे दूं यहाँ पर घनमूल निकालने के लिए, जैसे 91, 26, 73, 91, 26, 73 का घनमूल आप कैसे निकालेंगे? तो आपको करना क्या है, आपको 3 का जोड़ा लगाना है, इधर से 3 अंक का जोड़ा लगा देंगे। प्रश्न का इकाई अंक 3 है तो उत्तर का इकाई अंक क्या आएगा, 7 आएगा। 3 है तो 10 बनाना होगा हमें, तो 3 में 7 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, यानी प्रश्न का इकाई अंक जब 3 आ जाता है तो उत्तर का इकाई अंक 7 आता है। इसके बाद 926 किसके वर्ग किसके घन के अंतर्गत आता है, तो 926 यहां से हम देख सकते हैं, 926 यही आएगा कहीं बीच में,
लेकिन हमें हमेशा कम वाला लेना होता है, तो कम वाला लेने का मतलब हम 9 लेंगे, यहां से क्या लेंगे 9 लेंगे, यहां पर हो जाएगा 9 यानी 97। तो 91, 26, 73 का जो घनमूल आएगा वह क्या आ जाएगा 97। इस प्रकार से आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। तो अच्छा, आशा करता हूँ आपको समझ में भी आ रहा होगा। जैसा कि एक सवाल और, 45, 65, 33 इसका घनमूल कैसे निकालेंगे? 3 का जोड़ा लगाना है, प्रश्न का इकाई अंक 3 है तो उत्तर का इकाई अंक क्या आएगा 7 आएगा। 456 किसके घन के अंतर्गत आता है? तो 456 इसमें देखिए, 456 इधर कहीं आएगा बीच में, तो हमेशा कम वाला लेना होता है, तो हम 7 लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हो जाएगा 7, यानी 45, 65, 33 का जो घनमूल आएगा क्या आ जाएगा आपका 77। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, जैसे 38, 90, 17 इसका घनमूल कितना होगा? तो घनमूल निकालिए, इसका घनमूल कैसे निकालेंगे? काम ही करना है, बस एक बार आपको समझना है, एक बार फिर से समझिए क्या करना है आपको। 3 का जोड़ा लगाना है हमेशा, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, 3 का जोड़ा लगाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ प्रश्न का इकाई अंक कितना है, तो प्रश्न का इकाई अंक 7 है, तो 7 जब रहता है तो हम 10 बनाते हैं, तो 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 बन जाएगा। इसके बाद 389 किसके वर्ग किसके घन में आएगा? तो 389 इधर ही कहीं आएगा, यहाँ बीच में आएगा, 343 से ज्यादा 389 है, इधर यहाँ आएगा बीच में। हमेशा कम वाला लेते हैं तो 7 लेंगे, 73 इसका आ जाएगा घन में। तो साथियों, आशा करता हूँ आपको अच्छा भी अच्छा लग रहा होगा, और यह जो तरीका है सबसे बेस्ट तरीका है। आप कितना ही अंक निकालना चाह रहे हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं बहुत ही कम समय में। आप किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं या किसी को पढ़ा रहे हैं तो आप इस तरीके से बताएं, ये बहुत ही अच्छा है। छः सौ पच्चीस इसका आप घनमूल कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला काम क्या बताया हमने कि आपको इधर से 3 का जोड़ा लगाना है, इकाई का अंक 5 है, जब इकाई का अंक 5 आता है तो प्रश्न का इकाई अंक 5 है तो उत्तर का इकाई अंक भी 5 आता है, तो 5 यहां से आ जाएगा। इसके बाद 38 किसके घन के अंतर्गत आता है? तो 38 हम जानते हैं 14 का जो घन होता है, 14 का घन 27, 44 होता है, 27, 44 और जो 15 का घन होता है वह होता है 33, 75 या 30, 44 है तो 30, 44 यहां पर आएगा बीच में कहीं। हमेशा बताए हैं कम वाला लेना होता है तो 14 लेंगे यहाँ से, इसका आंसर क्या आ जाएगा 145। तो ये जो संख्या दिया गया है 30, 48, 625 इसका घनमूल क्या है 145। तो आप इसको ऐसे लगा सकते हैं, बहुत ही कम समय में लग रहा है और आपको अच्छा भी लगेगा। जब आप एक बार इसको सीख जाएंगे साथियों, तो मैं बता दूं कि आपको जब कभी भी किसी कितना भी लंबा चौड़ा निकाल रहा हूँ घनमूल, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको क्या करना है, एक बार यहाँ से 1 से लेकर 10 तक घन याद करना है, फिर इस स्ट्रक्चर को देखना है, ध्यान में बैठाना है, प्रश्न का इकाई अंक आएगा यह तो उत्तर का इकाई अंक क्या आने वाला है। तो एक और सवाल आपसे ये करा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर दिया है 2547 का घनमूल क्या होगा? तो आप देखकर ही समझ सकते हैं कि प्रश्न का इकाई अंक 7 है तो उत्तर का इकाई अंक क्या आएगा, उत्तर का इकाई अंक आएगा 3। इसके बाद 250 किसके घन में आता है? तो 250 यहाँ आएगा कहीं बीच में, तो हमेशा कम वाला लेना होता है, 6 लेंगे, 63 का घनमूल है, इसका घनमूल क्या जाएगा 63। चलिए,
एक और 11 76 49, 11 76 49, इसका घनमूल क्या होगा? 3 का जोड़ा लगाना है, 9 है प्रश्न का इकाई अंक, उत्तर का इकाई अंक भी 9 आएगा। 117 किसके घन में आता है? 117 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा बीच में कहीं। 125 से छोटा है, इधर ही आएगा, हमेशा छोटा वाला लेते हैं तो 4 लेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? 49। इसका घनमूल क्या जाएगा? 49। तो साथियों आपको अच्छा लग रहा है, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, आप क्या ऐसे घनमूल निकाल पा रहे हैं कि नहीं, प्लीज करके कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पर आप लोग कुछ कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूँ, जिससे आप लोग उसको करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए 15 74 64, पहला 15 74 64, इसका घनमूल बताना है क्या होगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। 11 76 49, 11 76 49, तीसरा 47 455 दो, 47 455 दो, चौथा नंबर 63 60 56, 63 60 56, इसका घनमूल क्या होगा। पांच नंबर 5 नंबर लिखिए आप लोग, 88 47 36, ये पांच सवाल दिया गया है, पांचों का घनमूल निकाल कर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। बाकी सभी स्टेटर आपके सामने हैं, आपको 10 तक कम से कम तो याद होना चाहिए, तभी आप इसको कर सकते हैं। तो साथियों अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आज के लिए इतना ही, बाकी धन्यवाद।